मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से संचालित CMC LDP कोर्स की छात्राएं समीपस्थ ग्रामों में निशुल्क कोचिंग क्लासेस चलाकर बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। शहरवासी निवासी MSW छात्रा मोना साहू दीपिका राजपूत ने बताया कि सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले पड़ोसी बच्चों को हमने निशुल्क कोचिंग और व्यक्तित्व विकास के लिए सरस्वती वंदना, वक्तव्य, भाषण कला, जनसंपर्क का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, योग जैसे विषयों पर जानकारियां देते हैं। छात्रा दीपिका राजपूत ने अपने आसपास के बच्चों को 1.5 घंटे रोजाना पढ़ाती है। और व्यक्तित्व विकास पर ज़्यादा जोर रहता है। यही कार्य मथुरापुर निवासी और BMW छात्रा रीना अहिरवार, निकिता विश्वकर्मा, वजीराबाद की छात्रा शिवानी चिढ़ाड़ भी करती है। उन्होंने बताया कि यह सब हमारे पाठ्यक्रम और असाइनमेंट का हिस्सा है। इसी तरह संस्कार शिक्षा केंद्र चलाने से बच्चे भी उत्साहित होकर पढ़ते हैं और हमें समाज के प्रति कुछ कर सकने और जागरूकता प्रसार का मौका मिलता है। कुरवाई से सानू खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संजय कुमार श्रीवास्तव। जन अभियान परिषद में किस पद पे हैं? मैं परामर्शदाता हूँ, जिसमें BSW MSW छात्रों को अध्यापन कार्य किया जाता है एवं ग्राम में जाकर इनकी विभिन्न गतिविधियों में इनका सहयोग किया जाता है। कितने हैं आपके परामर्शदाता? परामर्शदाता कुल 5 परामर्शदाता हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके क्या नाम? मनीष मोहन भार्गव। आप भी परामर्शदाता? मैं परामर्शदाता हूँ। अच्छा, क्या कार्य? चौरसिया जी हैं, संदेश अग्रवाल जी हैं, अच्छा, राजेश भाई हैं। अच्छा अच्छा। और हमारे ये 22 ग्रामों की छात्राएं छात्र अपने अपने गाँव में निःशुल्क शिक्षा केंद्र चला रहे हैं, संस्कार शिक्षा केंद्र के नाम से। बच्चों को पढ़ाते हैं, व्यवहारिक शिक्षा देते हैं, साफ सफाई, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाएँ देते हैं और साथ में उनकी कोचिंग का भी काम है। ठीक। मैं आपका? जी, मेरा नाम रिंकी दुबे है, BSW स्टूडेंट हूँ। कौन सी गांव से? थोड़ा तेज बोलिए। क्या कर रही हैं आप? जी, मैं BSW कर रही हूँ जन अभियान परिषद से। इसमें हम बच्चों को ग्राम में ही रहकर संस्कार शिक्षा केंद्र निःशुल्क देते हैं, जिसमें हम बच्चों को उनकी पढ़ाई को लेकर भी जो आपके ही ग्राम में देते हैं कोचिंग। क्या नाम है आपका? जी, रश्मि तिवारी है, ग्राम लचायरा से BSW स्टूडेंट हूँ और हम संस्कार निःशुल्क केंद्र, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं, कुछ उनके स्वास्थ्य के बारे में समझाते हैं और जैसे वो उनके स्वभाव, मतलब संस्कार से रिलेटेड बातें करते हैं, कोचिंग देते हैं बच्चे को। ठीक ठीक ठीक। आप में जोर पर बोलेगा। आज आपने यहाँ MSW BSW के छात्रों को एकत्रित किया है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि ये इनके द्वारा समय समय पर रोज़ गांव में अपने क्षेत्रों में गांव में मिडिल क्लास के बच्चों को, प्राइमरी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो ये क्या आपका उद्देश्य है और क्या है, इस पर थोड़ा सा विस्तार से आप हमें बता पाएँ? मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है, जिसके माध्यम से गांव में प्रस्फुटन समितियां गठित की जाती हैं और अभी 2015-16 से महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के द्वारा BSW कक्षाएं और MSW कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा संचालित हैं। ये उन छात्र छात्राओं के लिए जो किसी कारण से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुके थे, इसलिए ये रविवार को ही लगाई जाती है कि वो अगर कहीं काम कर रहे हैं, कहीं व्यस्त हैं तो रविवार को आके कक्षा। ऐसे कितने ग्राम हैं जो आपके छात्र हैं वो बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं? ऐसे कितने ग्राम लगभग? अभी वर्तमान में 22 ग्रामों में हमारे छात्र छात्राएं निशुल्क संस्कार शिक्षा केंद्र संचालित कर रहे हैं। इनको हर महीने के लिए क्षेत्रीय कार्य दिया जाता है, MSW के छात्रों को भी और BSW के छात्रों को भी। चूंकि इनके पाठ्यक्रम का नाम ही मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम है, इनका उद्देश्य इस पाठ्यक्रम का यही है कि इनमें नेतृत्व की क्षमता, खुद अपने विषय को लेकर आत्मनिर्भर होने की क्षमता इनमें विकसित करना, ये इस पूरे पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। तो इनको हर महीने के लिए एक असाइनमेंट, एक विषय दिया जाता है जिसपे इनको काम करना होता है। आप जन शिक्षा केंद्र में किस पद पर? मैं जन अभियान परिषद विकास खंड समन्वयक के पद पे पदस्थ हूँ। तो आपके द्वारा ये लगातार चलाया जा रहा है? मेरे अलावा यहाँ पे रविवार को इनकी कक्षाओं में मार्गदर्शन देने के लिए 5 परामर्शदाता हैं, जो इनको
इनके विषय वे कौन कौन है? श्री मनीष मोहन भार्गव है, श्री संजय श्रीवास्तव है, श्री संदेश अग्रवाल है, चंचल चौरसिया है और राजेश अहिरवाल है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।